हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। तो फ्रेंड, ऐसे मैं चश्मा लगाना भूल जाती हूँ। जब मेरा आँख दर्द करने लगता है तब याद आता है चश्मा, तो मैं चश्मा लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं रेडी शेडी लग रही होंगी तो कुछ तो कारण है। मैं जा रही हूँ बाहर और आप लोग को भी ले चलूंगी बाहर। तो हर चीज को बाहर ही बोलते हैं, मार्केट हो, स्कूल हो, कहीं भी जा रहे हैं तो बाहर ही बोलते हैं। पर मैं बाहर कहाँ जा रही हूँ वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। मैं जा रही हूँ कैंटीन और पहली बार जा रही हूँ। अभी तक हम एक बार भी नहीं गए कैंटीन, पहली बार जा रही हूँ। तो पहली बार कैंटीन देखूंगी कैंटीन कैसा रहता है। सबको बोल रहे हैं कुछ पैसा दो, कोई नहीं दे रहा है पैसा। जितना है उतना ही में सामान लाएंगे, ज्यादा पैसा भी नहीं है, सामान लाना भी है, कैसे आएगा? जो जरूरी रहेगा वो आएगा, जो नहीं रहेगा नहीं आएगा। आप चिल्ड्रन डे है तो दीदी हम लोग के लिए कुछ, हाँ चिल्ड्रन डे है तो हम लोग के लिए कुछ तो जरूर आएगा। ऐसे मत दिखाओ, हमको मत दिखाओ। माँ दिखाती है, माँ हम भी तो चिल्ड्रन है। हाँ? हम भी तो है, हम लोग नहीं है चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन डे के लिए कुछ तो जरूर आएगा। ये तुम लोग की माँ थोड़ी है, फिर भी जो माँ रहती है जरूरी थोड़ी है। बोलो डील करो, चलो नानी के पास फोन करो, सबके बच्चे हैं। नानी मदर डे है, नानी का नाना भेज दिए, नाना भेज दिए, आज भेज दिए हैं। पूछो माँ से, पूछो नाना सुबह सुबह चिल्ड्रन डे के दिन पैसे भेजे हैं। नानी सर रहता है और मैं क्या क्या खरीदूंगी वो भी दिखाऊंगी। चलिए चलते। और हाँ, कुछ खास बात भी आप लोग से करना है, शायद इस वीडियो में ना कर पाऊँ, दूसरे वीडियो में करूंगी, लेकिन करूंगी। ये सबका चेहरे का रंग उड़ रहा है कि क्या खास बात है? नहीं जी नहीं, ये देखिए पर्स है, इसमें सामान है। ओहो, यही तो है। पिन कुछ होगी दीदी? पता नहीं, हमको तो पता है, बता ना। बस खाली फोन पे मैसेज आ जाता है, यही दिक्कत है, नहीं तो फिर देखिए ना। हाँ, गद्दार से दूर दुनिया गद्दार है के? दुनिया गद्दार है। दवाई नहीं खाया जाता है जी, ढोए ढोए करते रहते हो। तुम तो मेरे लिए लेके आता, क्योंकि तुम बाहर से आते हो, हमको अंदर से बाहर जाना पड़ता है। क्या दवाई तो ऐसे ठीक कर लोगा था। लौंग, अरे लौंग दे दो बेटा, फ्रिज पे रखे है। लौंग तो खाने का अलग मिलता है, खांसी मेरा कम रहता है उसी से। चार छोड़ दो ना। बोलो दो ना हाथ में। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है लौंग और मैं यही खाती हूँ तो मेरा खांसी ठीक रहता है, कम लगने लगता है खांसी। है दादा बहुत खर्च, चलिए चलते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। तब ना ब्लॉग बढ़िया से बनेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं कैंटीन और अभी जहां हम लोग हैं यहां बहुत खूबसूरत खूबसूरत सामान है। मतलब आप देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये वाला सामान अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक सामान इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे लग रहा था कि कुछ न कुछ कुछ मतलब सारे सामान में से एक न एक ले ही ले, इतने खूबसूरत थे। लेकिन फ्रेंड, यहाँ का जो सामान है काफ़ी महंगा है। और क्यों महंगा है आप लोग बोलिएगा, क्यों महंगा है? तो इसलिए महंगा है फ्रेंड ताकि यहाँ के जो भी सामान है सारे पे आर्मी वाला लोगो लगा हुआ है, जैसे मतलब भारत माता का फ़ोटो है
और वो जो मतलब जय हिंद कुछ भी सारे पे लोगो लगे हुए हैं, इसी वजह से यहाँ के सारे सामान महंगे हैं। लेकिन ये भी बात है कि अगर इससे भी बाहर जाइए तो आपको और ज़्यादा ही महंगा सामान मिलेंगे। इसमें तो कुछ कम होंगे भी, क्या कि GST अथी करते हैं, लेकिन बाहर में और ज़्यादा महंगा मिलता है। तो फ्रेंड यहाँ का सामान बहुत ही खूबसूरत है, हर एक सामान। मेरा तो मन बहुत अच्छा लग रहा था कुछ ना कुछ ले ले। देखिए कितने खूबसूरत एरोप्लेन, अब पता है एरोप्लेन पे भी आर्मी का लोगो, हर चीज़ पे आर्मी का लोगो, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो देखिए भारत माता का चित्र बनाया हुआ है, जैसे मूर्ति जैसा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब कॉफ़ी कप है, तो ये दूध मतलब कुछ भी दूध पी सकते हैं, पानी मतलब जो आपको मन है, कॉफ़ी, घड़ी, खूबसूरत हर एक चीज़ बहुत सुंदर। ये झंडे तो इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो और यहाँ कपड़े भी मिल रहे थे फ्रेंड, कपड़े भी इतना सॉफ्ट कपड़े थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, हर एक सामान बहुत खूबसूरत था। और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं ग्रॉसरी, क्योंकि ग्रॉसरी में भी हमको सामान लेना है। और हम लोग आ गए हैं ग्रॉसरी, अब यहाँ से सामान मतलब सामान हम लोग खरीद चुके हैं, बस सामान चेक करवा रहे हैं, बिल यहाँ से पे होगा और इसके बाद हम लोग सीधा निकलेंगे। और निकलेंगे तो पहले तो हम लोग को भूख और प्यास लगी हुई है, क्योंकि मतलब कुछ खाए पिए नहीं है, गला हम लोग का गला एकदम सूख रहा है फ्रेंड, एकदम खांसी हो रहा है गला सूखने की वजह से। तो यहाँ हम लोग आए हैं और देखिए कि यहाँ जब हम लोग आए पता किए तो यहाँ कुछ खाने पीने का सामान हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ लिमिट में ही खाना बनता है, अनलिमिट नहीं बनता है। और यहाँ का लिमिट हो चुका था समाप्त, तो हम लोग को खाना चलिए। तो फ्रेंड वहाँ तो हम लोग को कुछ मिला नहीं, तो अब हम लोग आ गए हैं इधर, और अब इधर थोड़ा बहुत कुछ गर्मा गर्म चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि वहाँ तो कुछ मिला नहीं। तो हम लोग सोचे कि घर जाते वक्त ही कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, तो यहाँ हम लोग रुक गए और यहाँ पियेंगे कपटी वाली चाय। और बीच में लगा हुआ था गुपचुप का ठेला, तो आप लोग को तो पता ही है गुपचुप देख कर किसी का भी मन डोल जाता है। तो गुंजा बोली कि हम खाएंगे गुपचुप, तो उसके बाद हम लोग पिए कपटी वाली चाय और अब चले जाएंगे घर। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और